कैसा रहा? फाइन आर्ट्स कैसा रहा पेपर? एग्जाम काफ़ी अच्छा था, पेपर एवरेज था और ऐसा कुछ खास दिक्कत हुआ नहीं, सेंटर पे आने में कोई दिक्कत नहीं था, एग्ज़ाम भी काफ़ी स्मूथली हुआ और पहले ही छुट्टी हो गया हम लोग का जितना टाइम था उससे पहले। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, हाँ कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं। जो आर्ट्स जो था वो जो सिलेबस था उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिखेंगे? हाँ पूरा सिलेबस से हुआ था, बिना सिलेबस से कुछ भी नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं था। एंड क्वेश्चन जितने थे उतने मतलब हम लोग पढ़े हुए थे तो बन सकता था हम लोग से, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बिना पढ़े मतलब बिना सिलेबस का था। थैंक यू। और भी कोई सब्जेक्ट्स इसके अलावा जैसे होता है ना, जैसे कोई BSc BEd या BA BEd के लिए जाना चाहते हैं? बस आर्ट्स ही बैकग्राउंड से। अच्छा कॉलेज ऑफ चॉइस कौन कौन सा है? कॉलेजेस जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए तो बहुत सारे हैं, हिंदू हैं, फिर अब जो सीटी दे रहे हैं। आपने कौन कौन सा कॉलेज चूज़ करा है? फिर हम तो इससे हैं ना, PCM से हम, मतलब फाइन आर्ट्स दिए हैं खाली एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे, पर ऐसा मेरा कुछ कॉलेज नहीं है आर्ट्स के लिए ना। वाइल रजिस्ट्रेशन हम लोगों को कॉलेज ऑफ चॉइस चूज़ करना पड़ता है, उसी कॉलेज में हम फाइनल रजिस्ट्रेशन करते हैं। चूज़ लगभग हम 13-15 कॉलेजेस चूज़ किए थे, जिसमें एग्जैक्टली तो याद नहीं मुझे, पर हाँ काफ़ी कॉलेज थे, जैसे कि LP वगैरह हो गए, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट्स वाले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड इवन मोर काफ़ी थे उसमें। ऑल द बेस्ट। कौन सा डोमिसाइल कौन सा था? PCM। पेपर हो गई? हो गया। कैसा लगा एक्सपीरियंस पेपर देने का? बड़ा अच्छा था, 3 घंटा वाला बड़ा देर लगा, पानी भी नहीं पी पाए थे। अच्छा सिलेबस कैसा है? सिलेबस एग्ज़ाम का या स्कूल का? एग्ज़ाम्स का। एग्ज़ाम का क्वेश्चन हार्ड था थोड़ा, कंफर्टेबल नहीं है। PCM का, आर्ट्स का तो आसान था, आर्ट्स तो सब्जेक्ट आसान है। सेटिस्फाइड हो पेपर देख के? बिल्कुल बिल्कुल। ओके कौन सा पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, 11th या 12th से? 12th से। सारे NCERT बेस्ड या आउट ऑफ NCERT? NCERT था। एनी काइंड ऑफ फीडबैक यू वांट टू गिव फॉर फ्यूचर कैंडिडेट्स? पढ़ के आने के लिए। दैट्स ग्रेट, गुड लक। हाँ ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी कैसा पेपर है? पेपर अगर अच्छा से NCERT से पढ़ेंगे, MCQ सब सॉल्व कर लेंगे, बस 100 में 100 आ जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट आपका आर्ट्स बैकग्राउंड से था? हाँ आर्ट्स से था। कौन कौन सा डोमेन सब्जेक्ट था आपका? मेरा सिर्फ ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी था। अच्छा किस प्रोग्राम के लिए आप एडमिशन देख रहे हैं? हम इसके ज्योग्राफी ऑनर्स। ज्योग्राफी ऑनर्स। कॉलेज ऑफ चॉइस? कॉलेज DU, JMI अलीगढ़, यही सब है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितना है सारा। टोटल नंबर ऑफ कॉलेज कितना सेलेक्ट किया आपने? लगभग 16 के आसपास। 16 के आसपास। क्या होप लग रहा है आप पेपर देने के बाद? होप तो लग रहा है 16 में 14 में तो आ जाएगा। अच्छा। इजी था पेपर, जो जैसे सबको बोलते हैं कि CUET हार्ड होता, हार्ड नहीं है, बस NCERT बेस्ड है सारा, उसका MCQ कर लेना, सब हो जाएगा, आसान हो जाएगा सब। इजी। CUET में इतना दिक्कत बस ये है ना कि थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। ऑर्गेनाइज किस वे में? मतलब कुछ भी, जैसे कि सिलेबस पूरा अच्छे तरीके से पता नहीं चल पाता है, फिर एग्जाम्स में भी वेरिएशंस बहुत सारे हैं देखने को मिलता है, और बहुत कंफ्यूजन भी है। वेरी कंफ्यूजन है, लेकिन अगर जो फोकस शुरू से रहेगा उसके लिए सब कोई मायने नहीं रखता। अच्छा आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए कोई फीडबैक? फीडबैक यही है कि मोस्टली स्टूडेंट सिर्फ साइंस में जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर JEE NEET देते हैं, तो सब चीज़ में स्कोप है, सिर्फ आपको ऐसा बनना पड़ेगा, टॉपर ऑफ द बैच, ऐसा नहीं डिग्री ले लिया तो बस हो गया, डिग्री हो गया, फिर आप नहीं काम नहीं किए तो फिर उससे तो अनएम्प्लॉयमेंट ही होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। कैसा रहा अभी एग्ज़ाम में? कहाँ एग्ज़ाम है? कौन सा बैकग्राउंड का आपका एग्ज़ाम है? कॉमर्स स्ट्रीम का। कॉमर्स के लिए? हाँ। और कौन कौन सब्जेक्ट आपने चूज किया था डोमेन सब्जेक्ट? डोमेन में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक और BST था। जनरल टेस्ट इंग्लिश हो गई? आज है मेरा। अच्छा आज है। अभी नहीं दिया, न देने जा रहा हूँ अभी। ओके गुड लक आपके एग्जाम। थैंक यू।